अब क्योंकि हमेशा आपने लॉर्ड कृष्णा राम इस तरीके से रोल प्ले किया तो पर्सनल तो कि तुम मुझे लेके आयो ऐसा ठीक है अब तुम मेरे को फिर ये सोचो कि मैं फालतू तो में लड़ूँगा किसी से या गारियाँ दूंगा वो मेरा कैरेक्टर ही नहीं डॉटर तो को दिन में हज़ार बार कह रहे है। कहते हैं so हज़ार बार कहता हूँ अब मेरे फादर से ना मेरी कभी वैसे बनी नहीं अच्छा कि मतलब बेस्ट है ये है वो है यार नहीं बार नहीं। नहीं एक बार नहीं ये किसने कह रही कि एक बार होता है ये कहते हैं ना लोग एक मिथ है कि यार सच्ची मोहब्बत एक बार ही होती है उस भाई को वो भी नहीं मिली होगी हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिवराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खास शख्सियत से कराने वाला हूँ जो है टी वी के टिम्पल बॉय जिनको आपने देखा था रोडीज स्प्रिट बिग बॉस एंड यस यू माई थ्रू सीरियल्स के हैं कैंग लॉर्ड कृष्णा में बहुत बार आपने इनको रोल प्ले करते हुए देखा है तो आइए एक खास मुलाकात करते हैं विशाल करोल के साथ सो आफ्टर इंजीनियरिंग फैमिली प्रेशर होता है कि यार बेटा कुछ करेगा क्योंकि इंजीनियर कंप्लीट हो गया आपके ऊपर क्या प्रेशर था मुझे करना है क्या और नहीं मेरे ऊपर कभी भी आ, आ, प्रेशर कभी भी नहीं था कि क्या करना है जैसे मैंने टेंथ के बाद चंडीगढ़ चला गया इंजीनियरिंग की लेकिन इंजीनियरिंग में जैसे कभी कोई इंटरेस्ट था नहीं तो थर्ड ईयर में रोडीज़ में मैं सेलेक्ट हो गया था तो रोडिस करने के बाद मुझे काफ़ी शोज़ वगैरह ऑफर हुए थे जिसके लिए मुझे कहा गया था कि आपको बॉम्बे आना पड़ेगा आप वर्कशॉप करनी पड़ेंगी बिकॉज ऑबियसलीक् नहीं तो और वो मेरे को था यार ये इंजीनियरिंग में था अगर ये आगे इन्वेस्ट किए हैं तो आठ शुद्ध आ रहा पेरे शर्ट तो मैंने जब इंजीनियरिंग ख़त्म की उस टाइम तक भी मेरे कभी भी कोई भी एक सिंगर पॉप ट्रे गया था जॉब प्लेस में मुझे पता था कि मुझे ये काम करना ही नहीं है मेरे पास की बात ही नहीं है खरा तो आई थिंक मेरी लाइफ में हमेशा ये होता ना मेरे जैसे शॉप पर भी मैं एक्सपीरियंस कर लिया था अपनी साइड किया था कि यार ये मैं नहीं करूँगा इंजीनियरिंग करने के बाद डिसाइड हुआ कि ये नहीं करना तो है Wow. यहाँ पे आई थिंक टेस्टिंग बहुत आ, जो मेजर रोल है मेरी लाइफ में प्ले कर दी तो मेरी एक फ्रेंड है जय वीर करेवा वो से ऐसे बढ़ा है आठ दस साल लेकिन वो मार्ट नहीं भी मेरा ओके okay. तो चेडियो में सारे बॉयज ऐसे गेड़ी मारते रहते हैं तो गेड़ी मार रहे थे मेरे को जयवीर गिरा उस दिन मेरा भाई क्या हो रहा है आपका क्या चल रहा तो है ऐसा यार मेरे ना सेलिंग क्विट कर दी है ओके और आ, मैं डायलिस से आ रहा हूँ पाँच रटे वाह उनको मेरे हमेशा से ये था कि मतलब एक जगह फिक्स ना करो करेक्ट कि मतलब कोई जहाँ पर आप घूमते फिरते हो वैसा कुछ काम मिल जाए तो बहुत बढ़िया फिर वो पायलट वाला बहुत अच्छा आइडिया सामने मैंने उसने सारा वही पर पूछा पता बीस मिनट में कि भाई क्या क्या करूँ ऐसे ऐसे फ्लाइंग स्कूल है ये डैलिस है मेरे को डेलेस भी उस पता है हाँ डायलिस ही आप सोलो ठीक है बाद में सारा कुछ गूगल किया अच्छा डायलिस टेक्स में है ये है वो है फ्लाइंग स्कूल मेरे पापा पापा को फ़ोन किया पापा ऐसे ऐसे है कि मेरे को ना पायलट बनने इसके कहते अच्छा तो क्या प्रोसेस क्या है मेरे पापा ये ये है इतने कुछ लाख लगेंगे अरे थिंक वो चौबीस लाख रुपये का कुछ स्टूडेंट तो खर्चा था उससे करेक्ट कोई बात नहीं करो वेरी गुड और मैं उसके बाद मेरे आई थिंक वो सारे इंजीनियरिंग ट्वेंटी तो डेज में सारा पेपर वर्क वगैरह सब कुछ किया यू एस एम्बेसी भी मैं अकेला गया उस टाइम में मैं हिमाचल तक क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करा रहे अकेला मैं एम्बेसी गया और कैम वीज़ा वगैरह किया अप्लाई किया सब कुछ हो गया चंडीगढ़ में मेड़ी मारने गए दोस्त ने फ्लाइंग स्कूल में जाना है आपके पास वैसे ना हो तो फिर आप कहाज है तो नहीं कि क्या करना है क्या नहीं तो बस इनका ये इतना बड़ा सपोर्ट था हा कि हाँ ये करो कोई बात वना किसी काम के लिए हाँ और ऑफिस कुछ गलत काम भी नहीं कर रहे हैं पढ़ना ही चाह रहे हैं कुछ या सीखना चाह रहे मेरे बहुत बहुत अच्छा रहा। मेरे इतनी और फिर ये हुआ किए किया, हाँ, की मेरे। किया मेरे पास तक का है अच्छा तो वहाँ पे प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिलता है फिर इंस्ट्रोमेंट रेडिंग होता, होता है फिर आपको टेन आवर्स का और फ्लाई करना पड़ता है ट्वेन इंच के लिए तो इंस्ट्रूमेंट तक किया था मैंने तो उसके बाद मुझे इनका फोन आया मेरे को फेसबुक पे मैसेज आया था रघु का जो राजीव ट्विन ब्रदर्स एंड जिन रोडी सारा इस्टेब्लिश किया था तो आ, कुछ मुझे टैक्स आया था था कि यार स्प्रिट्स वाला शो बना रहे हैं टू टेक से कौन क्या कर रहा है तो मेरे पास यार रघु का कोई नंबर बताया टेक्स किया या कुछ किया तो मुझे वापस कॉल आया तो मुझे उन्होंने तब बताया गया था कि ऐसे ऐसे शो बना रहे हैं स्प्रिट्स वाला बॉम्बे अपना गोवा भी उसका थर्टी फाइव डेज का शूट है Boys, 20 girls, ये वो मेरा वाइट टें मतलब मतलब वो फ्लाइंग स्कूल की चल रही थी वहाँ से थोड़ा टाइम फिर कि एक डेढ़ यहाँ की काम करेंगे यहाँ पे और फिर जाके थोड़ा सा रह गया था खत्म कर देगी ये बात है टू थाउजेंड एट की ओके में ये तो रिसेशन था एट रो स्पीकर तो मेरे से पहले जो फ्लाई कर रहे थे उसमें भी एक ब्रांड था जिसने फ्लाइंग तीन चार महीने पहले की थी जिसको लास्ट जॉब हमारे उसमें मैच में मिली थी ओके जॉब थी जिसके की थी कहीं उधर तो निकाल दिया गया nah. था वह लड़के ऐसे थे जो जिन्होंने आई थिंक थिंग कहा लोज वगैरह लेके भी की थी तो वो कैब क्रू वगैरह भी लग गए थे वो पायलट थे क्योंकि उस तरह का पूरा माहौल था जॉब बिल्कुल तो मैंने स्प्रि किया स्प्रि मैं जीत गया एम पी भी ने कहा कि आप ये कोर्स शो कर पॉस्टर के लिए देंगे हम कपल सूत्रा वगैरह करके मैं कह अभी वहाँ जाके भी क्या ही करना वो तो है ही ऑप्शन कर लेंगे कभी मेरे ये मिल रहा है तो करते कपल सुतरा किया मैंने था होस्ट, था होस्ट। तो तो वो शो होस्ट किया उसके बाद कुछ बीच में बहुत अच्छा उस टाइम की तो मतलब अच्छा नहीं चल रहा था तो उसके बाद मेरा पास शो था कलर्स में भाग्य विदा था भाग्य विदाता स्टार्ट हो गया मैं तब वो हमेशा उस टाइप के बीच में इतना ही था कि जाएंगे चले जाएंगे अपने बीच में फ्लाइट अपना सी पी एल लाइसेंस लेके करते हैं कंटिन्यू पर जब से मेरा फिर भाग्य विदाता स्टार्ट हुआ मेरा फ्लाइट का भी थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम चला गया था मेरे फिर बहुत आस पास के बहुत फ्रेंड्स को देखा जो प्रॉपर कमर्शियल पायलट से लिब्रेन है इसमें तो मेरे को वो जॉब ही हो उसके बाद उतना फैसिलेट करना बंद कर दिया उसने वाह है यार फ्लाइंग बहुत अच्छी है फ्लाइंग में बहुत मज़ा आता था आपने लेकिन मैं अभी भी अगर मुझे कोई कहेगा कि कमर्शियल पायलट की जॉब है और करनी है तो मैं नहीं करूँ तो मेरे को लगता है अखबार ने मुझे कहीं ना कहीं ना चाहते हुए या चाहते हुए भी खुद इतना गाइड किया है चीज़ें खुद ब खुद होती गई है राधा दिन की मैं ट्राई करूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फिर इस प्रोफेशन में आया और टच वर्ड बाई द ग्रेस ऑफ गॉड आई थिंक काम टू बॉम्बे लाइक जब मैं फर्स्ट आई थिंक कुछ और कुछ शो एफ टीवी कर रहा था और आई थिंक इंटरव्यूज दे रहा लोअर ऑफिस में तब भी मेरे आई थिंक इंटरव्यू में रहा था कि आई थिंक मैथ्स टू मैथ्स आई थिंक आई माइट बीफ मिक्सर फाइव ईयर्स आफ्टर दैट एम डन आई डू समंग एल्स एंड वर्को लाइक रेगुलरलीफ्टिफ्टी वर्किंग मतलब जैसे आपने एक बात वो बोली अभी तो क्योंकि क्यों? पूरी फैमिली की हमने हाँ जर्नी बताई है बट क्योंकि अभी हमें शादी पे आया नहीं हो क्योंकि शादी को तो ही नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं था तो बट आपने दो को फीस में ले आए हो तो फिर कोई बात नहीं मैं समझना चाहता क्योंकि अब काम बहुत अच्छा चल रहा था hmm. थ्रू आउट आपने बहुत बड़े बड़े, बड़े सीरियल भी किए कमर्शल भी किए बट फॉर यू हाउ डिफिकल्ट इट इज़ दैट के बींगो नो नोवा वाली प्रोफाइल हो रही थी <laughs> क्योंकि लोग उस पर आओगे बहुत कुछ है

कौन थॉट गौर नहीं आ रहा बनेंगे वो तो चीज़ होती गई उसके बाद तो, तो कभी डिसाइड नहीं करता है अच्छे करेंगे उसके बाद माइथोस में चले जाएंगे हाँ तो माइथो को अडोप्ट करना एक अपनी लाइफ से जोड़ना क्योंकि अब कंसिस्टेंट थ्रू आउट दस यू वर्किंग इन माइथो सीरियल्स चाहे एक खत्म होता है दूसरा शुरू होता है एंड यू प्लेइंग द सेम रोल मोस्ट ऑफ दाइंग राइट और आपने ऐसे ही कहा जहाँ पे आपको एक भगवान के में देखा गया कितना मुश्किल होता है पर्सनली क्योंकि जब आप ऑब्वियसली यू सेड के तो कितना मुश्किल हो जाता है एक के। uh, think, actor, मैं हमेशा कहता हूँ इस तरह के रोज अगर आपको मिल रहे हैं मैं बिलीव करता वो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग जो मुझे वो मिलती है तो मैं कभी भी जब भी मुझे इस तरह का को कोई रोल आता है तो मैं हमेशा उसको अपना हंड्रेड परसेंट देता हूँ मुझे लगता है कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये चाहता है कि मैं ये रोल करूँ करेक्ट और uh, माथो तो शोज जब मैंने फर्स्ट टाइम कृष्णा प्ले कर रहा था तो ऑब्वियसली वो समझ आने में ना थोड़ा टाइम लगता है कोई ग्रेप जो कैरेक्टर की है ना वो तो थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन अब जब मैं करता हूँ तो मेरी मैं हमेशा मजाक करता हूँ हमेशा कि आप माथो जितने शोज होते हैं ना सो आपके हैंड चेस्टर्स होते हैं बहुत हम ऐसे ये सब बहुत करते हैं तो मेरे को हमेशा बोलता है मेरा मेरी कन्विक्चर इतनी स्ट्रॉग आ रहा है किसी दिन मैं ऐसा करूँगा ना सामने कुछ ना कुछ उठेगा वो आज उस दिन का इतना स्ट्रॉन्गली मैं उस कन्विक्शन के साथ ये कैरेक्टर्स परफॉर्म करता हूँ लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेरे जैसे माइक हो उसके बाद मेरे बहुत अलग अलग तरह के शोज आ जैसे रंग रसिया गया था भाई राजा गया था पंजाबी फिल्में की बीच में आप एक दो अभी वेब सीरीज की थी किंग मेकर कुछ एक आदाइश टाइप कुछ वैसा था तो अलग अलग तरह का वो सभी किया है बीच में कुछ एक खिल के साथ भी शॉर्ट फिल्म की थी एक शैलेंद्र सिंह के साथ की थी जो परसेप्ट के ओके okay. तो कोशिश हमेशा की है कि आपसे बात ही था सब तरह के रोल भी करता रहो लेकिन ये मेरे को ज्यादा मिलते ओके okay. और अभी भी जो मैं कर रहा हूँ उसमें आई थिंक ये मैं टेक्स्थ टाइम ये लॉर्ड कृष्णा और ये लॉर्ड विश्लो का रोल प्ले कर रहा हूँ अच्छा आपकी जाएगा लैंग्वेज बैरियर कभी रहा है ऐसे माइथो सीरीज़ को प्ले करने में रोल प्ले करने में वो रहता है कि ऑबियस आप एक जो टच होता है पंजाबी वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा था आई थिंक आप टाइम से जैसे धीरे धीरे इतना काम करके प्रैक्टिस ज़्यादा होगी प्रोनसीशन थोड़ी ज़्यादा बेटर होगी तो अभी जो डायलोग लैंग्वेज पे कमांड है वो पहले से काफ़ी बेटर ओके और कभी ऐसा हुआ है कि जो ये रोल्स आप प्ले कर रहे हो वो आपकी पर्सनल लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालता है आई थिंक आप ये है आप कभी ये जान नहीं सकते कि कितना इम्पैक्ट डाल रहा है वो वो खुद टाइम है ना आप क्योंकि रोज़ करते हो वो आपके अंदर वो जाती रहती है चीज़ें मतलब तो जिस तरह की आप सीन्स करो डायलॉग्स जिस तरह के थे पॉजिटिव हो तो वो कहीं ना कहीं हमशोर आपकी लाइफ में तो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं कभी क्योंकि हमेशा आपने लॉर्ड कृष्णा राम इस तरीके से रोल प्ले किया तो पर्सनल लाइफ में कभी ऐसा फील होने लगा कि मैं भगवान सुनते हैं कोई यही पावर आ <laughs> <laughs> yes, yes, जाए फील फील तो नहीं बट ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि आप इस तरह के रोज करते एक तो आप तो मेरा तो मुझे वैसे भी लगता है मैं हमेशा लाइफ में बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरे को शायद ही मेरे कभी लाइफ में किसी चीज़ के बारे में ऐसे कभी पैट की कंप्लेन की हो या रिग्रेट किया हो उस तरह का मेरा एटीट्यूड कभी लाइफ में रहा ही नहीं है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बेटर से बेटर उस पर हर चीज़ में आप देखते रहो ओके कोई कोई ऐसा रोल या कोई ऐसा सीन जो आप ऑन स्क्रीन करना नहीं आई डोंट थिंक मैं वैसे एज एन एक्टर आप ऑफिसिंग जो भी मेरे को करना चाहिए बट मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ आई थिंक रेप सीन्स वगैरह या वैसा कुछ कर अभी तक तो जो करियर रहा है उसमें कोई ऐसा काम आपने या ऐसा कोई रोल अभी तक निभाया जिसको करने के बाद आज आप पछतावते हुए रेगुलेट हो कि नहीं यार विशाल ये नहीं करना नहीं मेरे रास्ते ऐसा कोई काम किया ही नहीं है पर एक सीन है जो मुझे ना आई थिंक हम हम द्वारकाधिश्वान में कर रहे थे तो डायरेक्टर ने एक, एक फिक्स आ, एंगल पर कैमरा रख दिया था और उन्होंने कहा कि अब आप ये सीन है तो वो क्या परफॉर्म कर रहा था तो वो किया था मैंने जिसमें भगवान कृष्ण अकेले बैठे हैं और वो लक्ष्मी माता को कुछ डिस्क्राइब करते हैं उस टाइम तो वो सीन वो डायरेक्टर और मैं हमारी बड़ी उस पर हुई उनको भी बहुत पसंद आया था और उन्होंने कट भी नहीं किया वो सीन मेरे को कभी भूलता नहीं है ओके okay. वो सीन काफ़ी अच्छा बोल रहा अब मेरे सब कभी देखा भी नहीं है क्योंकि तो नहीं है कौन से एपिसोड अपनी जरूरत आता है हाँ और कोई ऐसा ड्रीम रोल जो आपने अभी तक नहीं किया और यू रियली वांट टू डू इट इन फ्यूचर कि कोई आप ऑफ़र करे और अब मैं करना चाहता हूँ एक ऐसा कैरेक्टर प्ले या मेरे ने कभी भी लाइक ऐसी जी नहीं है कि ये होगा तो अच्छा होगा तब ठीक रहेगा अब जो मिला मेरा सब कुछ है बहुत अच्छा चल रहा है उसमें खुश रहो क्योंकि आप ऐसे एंटिसपेट करके आगे चलोगे ना तो फिर आप हैप्पीनेस भी ना करेक्ट पोस्टपोन कर रहे हो अब भी अभी विशाल है वो तो अभी रोल मिला है इस शो में मैं चार रोल करो उस उस पर खुश हो तो जाओ फैस गया भाई मांगी वो में सोचने से जब कुछ आएगा देखेंगे राइट अरे जब एंगले होगी बैठे होगी तब बात कर है सकते हैं यार उस रोड में मजा आया सोचने का मौका तब मेरे हाल ही हो गए तब हाँ कि मैं तो एंगले मेरे को हमेशा मैं कहता हूँ कि लाइफ में वैसे ही जीना चाहता हूँ कि जब भी डोल अगर कहीं बैठे हो ना और पैसे फ्लैश बैक में लाइक अपनी सोचें कि यार ये लाइफ मैं चाहता हूँ कि एंगले देना एक रिंगलेट ना आए खरे कि यार ये नहीं ये नहीं ऐसा हो जाता है ऐसा ऐसी तो आई नो <laughs> <teller. laughs> अच्छा यार क्या होते हैं कि हर इंसान मुंबई माया नगरी में आता है सपने लेकर आता है कोई बाई चॉइस आता है कोई बाई चांस आ जाता है ठीक आए, आए है चॉइस नहीं थी मगर मतलब आने के बाद क्योंकि इंडस्ट्री तो अपने मिजाज के हिसाब से ट्रीट कर दी आपको शुरुआत में काम देती है कभी ऐसा हुआ कि नेपोटिजम या फिर कास्टिंग का उसका सामना करना पड़े मेरे साथ आने सबसे बेस्ट बात यह हुई थी जब मैं स्प्रिट्स जीता था तो रणविजय होस्ट कर रहा था शो तो भाई उस टाइम भी आई थिंक उनका चल रहा था मुझे भी कोई घर वगैरह शिफ्ट करना था तो उन लोगों ने मेरे से रन मेरी कुछ कहती थे क्या प्लान है बैठा भाई कोई प्लान नहीं है यार ये काम करते तू आ जा और बैठ इकट्ठे लेते हैं साथ रह गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा नहीं मेरे लेना देने और रन भी लिए तो ऑफिस है हम सब के लिए उस टाइम में क्या आज भी हमारे लिए बात भाई ये रन में ये है बहुत ही अच्छा लगता है तो वैसे बोला फिर आए कुछ साल हम इकट्ठे रहे मतलब कभी कुछ कभी फील ही नहीं हुआ यार भाई ने नहीं अच्छा हां बहुत अच्छा जब नाम या कोई कहते ना सपोर्ट ऐसी मिल जाती है में तो आपको साथ है वो। वो भी मेरे ख्याल से नहीं है कि आपको बॉम्बे जैसी सिटी में आप आ रहे हो और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप रण के साथ रह रहे हो साथ शुरू से मैं बाद चोरी में भी निकाल दे रहा, 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 रहा।, रहा, रहा है। है था बाइक को पता था बाइक जाने तो भाई ने ओके वाले तो उनका अभी और ओडीसा जीता हुआ तेरे साथ okay. और वो करिसों के बड़ा तेरा बना हुआ तो भाई ने उसको साइड में वो दे दिया था कि तू ये चला और पर भाई से हाथ और बात अलग ये ये चला और ना कम इंस्टिट्यूट और भी आप साथ रहते वैसा फीलिंग कराया कि इतना बड़ा आर्टिस्ट वो उनकी खास बात विषय रुसे के Uh, कभी उसको एक डेली सोप कर रहा था भागे बता रहा था इसके बाद बहुत सोलह अठारह घंटे आपका काम था मैं आता था दो फिर आ जाता था तो आप दो भी एच के पे रहते थे मैं बता रहा हूँ जनवनली शायद का भी कोई टाइम होगा कि रन विजय भाई कर रूंगा पाँच लड़के ना रह रहे हो अच्छा नहीं वो कोई भी आज कसम न आ जाएगी नई रोटी सीजन का कोई लड़का आज भाई का मतलब घर वा मतलब खोला था मेरे को कह रहे थे रे तू आराम से सो फिर सुबह फिर पाँच छः घंटे में शूट कर जाना और उधर उन पे भाई ट्रैवल कर रहे हैं जो मर्जी करे भाई का घर हमारा मतलब खुला होता था आराम से सब लड़के आगे रहे क्या बात है वेरी गुड आप जब थ्रू आउट ये करियर बहुत बढ़िया चल रहा था तब आपको एक ऑफर आई बिग बॉस की ही ठीक है और बिग बॉस से एक नया लाइन लाइट भी मिली और वहाँ से एक टैंक भी मिला आपको एक टैंक मिला के विशाल जो है ईजा इजी बॉ क्यों मतलब वहाँ पे भी हमने आपको देखा किसी आप लेटे हो तो लेटे हो बोलते रहो मुझे फर्क हाँ। वो आज भी है यार अब मैं जैसे मेरे बताया कि मैं ट्रेवलिंग कर रहा तो कुछ घंटे सो भी पूरा दिन ट्रेवल करो मैं जिम में हो तो मेरे जिम में भी अपना अच्छा दे रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ हंड्रेड परसेंट दे रहा हूँ लेकिन जब मैं कुछ नहीं कर रहा तो फिर मैं डेफिनेटली कुछ नहीं कर रहा तो नहीं कर है अच्छा मैं वाह का भी मेरे बताया था कि आप मुझे वाक तो मेरे कहा था देखा यार ये है रियालिटी तुम मुझे लेके आयो तो विशाल कर दूर ठीक है अब तुम मेरे को उस पर ये सोचो कि मैं फालतू में, में लड़ूँगा किसी से या गारियाँ दूँगा वो मेरा कैरेक्टर ही नहीं है करेक्ट या तो तुम मेरे को स्क्रिप्ट दे दो वो बता दो कि भाई लड़ लो भैया कुछ कर लो नहीं तुमने कहा विशाल कर क्या विशाल कर लो यही है

अरे वो बहुत ही गलत तो होगा अगर आप किसी शो पर ऐसे को हंड्रेड परसेंट कर हंड्रेड एंड वन परसेंट कर कभी इस बात ऐसी कभी बात की हो। मैं, मैं नहीं होगी बिकॉज मैं मेरे आपस में जब फ्रेंड्स और रिलेटिव भी पूछते हैं तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप जब उस घर एंटर करते हो जब तक आप बाहर ही आते जीरो ऑर्डेक्ट आपका जीरो right. जीरो, right. जीरो सोर्स ऑफ लाइक एंटरटेनमेंट नथिंग मतलब जीरो तो वैसा तो मतलब सब कुछ रियर है फाइट्स फेक हो सकती हैं वो फेक हो सकता है वो मेरे शायद कहा

हंड्रेड पर मतलब ऑब्वियसली उसे मेरे पर्सनालिटी कर रहे हैं तो वो फोन भी सुन नहीं सकता आज की लाइफ में तो मुझे मालूम है आज की लाइफ में फिर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो कोविड के टाइम में एक चेंज आता है कि आप फाइनली अपने बिलउंड जिससे आपने शादी की वो वो जरूरी के बाद ऐसा है क्योंकि विशाल का नाम बहुत सारे लोगों से जुड़ा है चाहे वो उसमें करशमा रही है या और श्रद्धा रही है सोना रही है नाम बहुत सारे गुस्न मतलब विशाल ने जिसको चूज किया उसमें क्या स्पेशल था वो कैसे हुआ वो जरा ये स्टोरी थोड़ा करके बता दो तो। कोई बात तो जो भी मेरी वाइफ है उनको मैं मिला था जब मैं प्लस वन बताई और ये बात है चंडीगढ़ वन की ओके तो वह उस टाइम पे हमने डेट किया था कुछ वर हाफ ईयर्स के लिए लेकिन हमारी फैमिली से एक दूसरे को जाती थी बहुत अच्छे से हर वाली ओबियसली एज ही कम थी तो हो गया तो फैमिली दोबारा कहा गया था कि प्लीज मैं आया थोड़ा देख लो तो नहीं वो तो उस टाइप पे तो हमारा ब्रेकअप हो गया था टू थाउज टू में कट <त्वारी> टू से बात ये जो मेरे हमारा सारों के पीछे सारे चीज़ें वो इंजीनियरिंग फ्लाइंग एक्टिंग वगैरह ये वो तो मैंने ऐसे ही आई थिंक बर्थडे पर मैसेज किया था फेसबुक पे तो मेरे को तो सामने से रिप्लाई आ गया कि मैसेज मेरे उससे पहले दो तीन बार फेरे गया था मैं रिप्लाई कर गया इस बार आ गया अच्छा यार रिप्लाई आ गया बहुत शुरू होगी क्या चल रहा है ये वो वो बेना बातें इन देख रही थिंक ऑन बैठे रोज बात कर रहे थे एंड उस टाइम पर मैं बरोडा में शूट कर रहा था ये द्वारका रिश टू तो बातें करते करते आई थिंक बिफोर वी मेट ऑल्सा दैट वी वेट मैरिड सो वेट यू सी यर इन चंडीगढ़ We met obviously, like, there's so much history, right? Like, so, so much history. So, we just connected and we were like, okay, let's, hello, uh, we have to get married. And till day my wife complains about this thing that I never proposed? I'm like, where well then, why? Show me the way, why? we like, we proposed, and i like, I can't it. We are to We're so coming nationally to We guys have already decided that we're going to get married, and everything is fine. तो मतलब मतलब ऐसा हुआ है कि किसी ऑडिशन को आप लेने गए जो जिसके लिए आप भी बहुत एक्साइटेड होर गेर गी उ मिलना भी चाहिए मैं कन के आऊँ और मैंने अच्छा सा ऑडिशन दिया मगर वो आपको नहीं मिला तो मैं वही करूँ आपको लाइक मेरा सिर्फ प्रोफेशन करी अदरवाइज ये एटीट्यूड लेके चलना बहुत ज़रूरी है कि कल का सोच के आपकी खुशबू को वो पिछले कल का सोच के अब्दुल ये तो आपने कृष्णा में में वाली फिल्म आप आपका एटीट्यूड होना चाहिए जो नहीं वो अब ये अभी से नहीं है क्योंकि शुरू में जब हम आए थे तो दिन में तीन तीन चार चार ऑडिशन आपकी एक्सपेक्टेशन अभी यार फोन नहीं आया आ जाएगा फोन आ गया शॉर्टेज हो गई वो शुरू शुरू में था बिकॉज बहुत नए थे वो रहता था उसके बाद उनका ऑडिशन दिया भूल जाओ भूल जाओ आ गया वो चाहे कई बार दो तीन मेरे बाद भी आता चार बजे बाद भी आता अच्छा अच्छा इसलिए बात हुई थी हाँ ठीक है तब हो गया पर ये नहीं वो ऑडिशन गया अगला काम देखो भाई नेक्स्ट है अगर काम करते करते भी सब कुछ हो गया अभी तो मैं शो कर रहा हूँ मेरा ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट टी वी शो है आई तो वो करते करते वो आगे बढ़ाओ यार पीछे का कि इसको क्या मदद पड़ता है क्या क्या है क्या आगे क्या आगे क्या करना है ये इम्पोर्टेंट है ऐसा आप जर्नी टी वी से मूवीज़ पर भी आई है ठीक है और आपने बहुत विक्रम भट्ट के साथ भी हमने काम किया है नाइनटीन टवेंटी लंडन में काम किया है तो मतलब टी वी पर काम करना और बिग बैनर्स और बड़े पर्दे पर काम करना इसमें वो वर्किंग जो रहता है वो कितना डिफरेंस आपने फील किया और वो कैसा रहा? ये वर्किंग एज एन एक्टर आई थिंक तुम एक्टर ही हो मैं कभी टी वी पर भी कोई ये सोच नहीं देता कि यार टी वी क्या रहते हैं बैठे यारूवी है हमेशा अपने टी वी पर भी हमेशा आप जहाँ पे आप हो कोशिश यही रहती है कि आप अपना हंड्रेड परसेंट दो लेकिन uh, फिल्म ऑफ ऐसी uh, स्केड्यूल जो होता है फिक्स रहता है टी वी जब हम डेली शॉप करते हैं तो हमें पता नहीं होता है ईशो छः महीने चले गए छः सात तो वहाँ पर थोड़ी बहुत अनसर्टनटी रहती है लेकिन अदरवाइज आई थिंक टी वी का ये है हम लोगों के लिए बहुत लोगों के लिए फ़ायदा बिकॉज आई थिंक अलॉट ऑफ पीपल है For us, it's very difficult to get a break in a film that as a solo hero. Correct. Because who's nobody Nobody's willing to spend 30, 40, 50 years on Absolutely. But as far as TV sales are I think a lot of us, uh, a lot of actors are surviving because of television. Because TV has given us so much work, right? So only because of television that I've survived for 15 years in Bombay. Because when I did uh, that movie also, I think it released after, after two or three years. Or any Yeah. Uh, so when I did that movie, I was like, देख के इसका मूवी का वेट करते हैं कब आएगी so, थीज़ तो ठीक इस टी वी थोड़ा नहीं कर रहा था फिर बट मूवी टू 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 थ्री इयस रिलीज है ऐसा होता है ना एक मूवी आ गई है अच्छे ये या, तो यार नहीं मुझे मूवीज रन नहीं है बहुत सारे एक्टरों ने ऐसा किया यार तो रोल बिकॉज कहीं अभी वो वो कर जाता है कहीं अभी नहीं करता है तो मेरे को तो हमेशा होता है अभी क्या चल रहा है ये अच्छा आ रहा है कर रहे हैं कर चाहना वो और आप जैसे कितना कितने एक्टर्स हैं जिनको हम और टाइप से नहीं देख रहे थे ना टी वी में ना मूवीज में तो सबका है ना करियर कैसे रिवाइव हुआ है तो कभी भी किसी तरह कुछ भी हो सकता है इस प्रोफेशन में वो वही बात इस प्रोफेशन की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि एक फ़ोन कॉल एक अच्छा प्रोजेक्ट आपकी लाइफ चेंज कर अगर फॉर मी सॉरी टू इंटरप्ट बट इसमें एक और बात भी है जो ये तो हमने पॉजिटिव साइड देखा एक नेगेटिव साइड ये भी है ना कि आप थ्रू आउट कपल ऑफ यूर्स यूर वर्किंग कंसिस्टेंट एंड उसके बाद ऐसा भी होता है कि आपको फिर एक नए प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल नए तरीके से एज अ फ्रेशर एक नया ऑडिशन देना पड़ता है एंड यू नो काम नहीं मिले तो आप फिर वहीं जीरो अगर आप देखोगे ना इंडस्ट्री की हिस्ट्री बहुत बहुत बड़े जो तो लेजेंड्स थे उनके भी अगर आप अभी आज की जनरेशन को नाम लोगे ना तो उनको तो याद नहीं है उनका क्या फिल्मोग्राफी है कुछ याद नहीं तो वो तो आप लोगों को अपने माइंड में लेके चल रही चाहिए कि मेरे ये ये किया है तो मेरे साथ ऐसे क्यों आप लोग काम आप एक्टर हो आपको ऑडिशन के लिए बुलाया गया आप चाहो आप वो ऑडिशन पता ज़्यादा अच्छा करो कि आपको काम मिले ऐप से उठ अच्छा मिशान कलिग्स एंड फ्रेंड्स What is the difference according to you? There is a big difference, yeah. हाँ, uh, <laughs> uh, friends यार इनको ना compare friends to anyone else. I, I won't compare my friends to my brothers, okay? Yeah, my friends are like the very special too. I think friends एक like, obviously हमेशा एक चीज़ होती है जो आपने कमाई है यार ऐसे नहीं मिले free में. Absolutely ना तो मेरे friends जो हैं कुछ, my friend बोरी school time से okay जो बादा जिनको अभी जानते कितने हो सत्ताईस अट्ठाईस साल वैसे वैसे हो गया गए तो वो जो बॉन्ड है वो आप किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते एप से नट ऐसा कभी हुआ है कि जो कलीग थे पहले बट वो भी उस लिस्ट में कोई आ गए हो या ठीक है नहीं है बट मतलब जिनको मैं जानता हूँ आप सोशलाइज भी करते रहे लेकिन फिर भी अभी क्योंकि अगर आप हर एक को वैसे उस लेवल से फ्रेड लग पड़ोगे ना तो आप बहुत डिसअपॉइंट हो एब्सोल्युटली तो आपकी जो आपस में फ्रेंड्स के साथ जो, जो बॉन्डिंग है वो आप वो एक दूसरे को हम डिसअपॉइंट भी करते हैं लेकिन पता है हम एक दूसरे के अकाउंट कैसा है Absolutely. तो वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए वगैरह जिनको आप जानते हो या कलीग्स है और तुम उस पर बहुत पर्टिकुलर हो ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ फ्रेंड्स है तो पता फिर तो हाँ हाँ पर जब एक बार फ्रेंड कैटेगरी में आ गए तो अलग खुल गए वो रहता है लेकिन न ठीक है मोहब्बत और एक तरफा मोहब्बत होना फर्क होगा यार वही <laughs> हो गया वो हो मैं उसका कैसे अलूँ अच्छा ठीक है कि किसी को मोहब्बत हो और किसी को एक तरफा मोहब्बत हो तो वो

मतलब ऐसा होते हैं ना कि जैसे आपने बोला कि मोहब्बत की बात हो गई नहीं तो ऐसा भी होता है लोग कहते हैं कि प्यार से जिंदगी में एक बार होता है यार पता है यार ऐसा होता है कि नहीं होता है आई थिंक ह्यूमन इमोशन है आपको अब जैसे कहीं हो कि अगर बहुत प्यार होता है तो उनका फिर ऑबियस कई बार डिवोर्स भी हो जाता है एग्जैक्ट exactly. से शादी भी हो जाती है तो इसमें ये ऐसे होना नहीं चाहिए आई थिंक आप कितनी भी बार हो सकता है अगर आप सबका चेहरे है तो तोहरेटना चाहिए पाँच बार

कभी नहीं ऐसे जैसे हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन के साथ काम कर रख जैसे बताया है, अभी ये मिल रहा है इसके साथ है बेस्ट है अच्छा क्योंकि दोस्तों में बहुत रहे वो और आ, सोशल लाइफ बहुत अच्छी है हाउ यू मैनेज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ तो यार सब मैनेज हो जाता वो प्रायरिटीज़ वाली बात तुम्हारी वाइफ को या तुम्हारी डॉटर को कुछ होगा तो तुम बड़े से बड़ा काम कर रहे हो छोड़ के आओगे रहो प्रायरिटी राइट right. कोई तुम्हारा फ्रेंड आउट ऑफ टाउन से आया है बॉम्बे तो उसके लिए टाइम निकालोगे <laughs> या निकालोगेटी <दे। laughs> तो मतलब वो प्रायरिटी की बात है वो भी कोई इतना पीसी नहीं होता यार कि मेरे पास टाइम नहीं हर एक चीज़ के लिए टाइम है यार से आज फैमिली में अगर वहाँ पर कोई मुश्किल हो जाए अभी जाओ ऐप से प्रायरिटी और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ वो अपनी अपनी जगह लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ ऑबियस काम है काम ने बहुत कुछ दिया है लेकिन फिर भी जो आप रिश्ते हैं उनको हमेशा ऊपर रखें आपका काम वगैरह ये बहुत टेम्परे होती है अच्छी से right. आज है कहीं का होगा काम है ज्यादा नहीं है फैमिली मेरी में को मेरी मैं आपकी बात बताऊँ अगर को फादर ही बात कहते थे और ये लाइफ का बड़ा लेसन बना के रखा हुआ कहते थे कि यार आपकी जो लाइफ है ना हमारे सही ना उसको पौड़ी कहते पौड़ी ओके okay. आवास वगैरह की बनती है पौड़ी वगैरह जलती है बस स्टेज राइट तो कहते हो लाइफ आपके वो पौड़ी है और उसके जो स्टेप्स है ना वो है लोग राइट right. कहते जब आप वो पूरी जिंदगी की चढ़ रहे हो ना तो वो लोग है जो आपको अपने कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ा रहे करेक्ट तुम तो बस एक काम कर पा कि जब ऊपर चढ़ते जा रहे हो ना तो वो बोड़ियों को तोड़ना मत मतलब लाइक जब तुम जैप से ही रहे हो तो जो जो तुम्हारे साथ लोग हैं जुड़े हैं चाहे वो यार दोस्त है या कोई वैसा है जिसने तुम्हारी उस टाइप के कभी हेल्प की है उन सब को साथ लेके चलो वाह कहते जब ऊपर पहुंचोगे ना फिर टाइम आएगा जब नीचे आना Right. कहते तो, wow. तो कहते हैं जब वो पैर तोड़ दिया तो ऐसा गिरोगे कि उठिए आओ वो कहते हैं अगर वही लोग संभाल के रखे होंगे जिनके साथ ऊपर गए थे भाई right. वो कभी तुम्हें महसूस भी नहीं होने रहे कि तुम नीचे आए तुम नीचे आए हो और वो तुम्हारे हर वक्त में हर हाँ, उसी पीढ़ी की तरह खड़े को कहता हूँ कि काम वगैरह सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को रिश्तों को साथ में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है अगर एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो हमेशा करेक्ट एक दोस्त हमारे पच्चीस पच्चीस साल पुराने दोस्त है ऐप से अच्छा विशाल पोस्ट फैम और प्री फैम में लाइफ में कितना डिफरेंस आया तुम्हारी फेन हाँ एक पैसे का भाई मतलब ये मेरा तुम फिर ये ऐसी बात है यार मैं हमेशा कह रहा हूँ कि यार एटीट्यूड किस बात का एरोगेंस किस बात की मैं किस फैमिली में मेरा बर्थ हुआ वो मेरे डिसाइड रिलीजन मेरे को मेरी फैमिली ने थी mm. मेरा लास्ट नेम मेरी फैमिली ने मुझे दिया मेरा फर्स्ट नेम तक मेरे पेरेंट्स ने थे जबकि मेरा खुद का नाम मेरी आइडेंटिटी मेरी चूज़ की हुई नहीं है तो तुम्हें एरोस किस पर है तुमने क्या तुमने क्या, क्या ऐसा कुछ कर दिया right. तो आई थिंक इन सब चीज़ों पे ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए अपना देख के चलो कि किसी के साथ बुरा मत करो कोई तुम्हारे साथ भी बुरा करे फिर भी उसके साथ बुरा मत करो वो हम ऐसे आगे चमक के अच्छा फैमिली में सबसे ज़्यादा मतलब वैसे तो सबसे ही मोहब्बत होती है और यू आर वेरी फैमिली और मतलब वैसा होता है ना बट वार्मेड वैसे किससे ज़्यादा अटैच और जैसे ओपन के भाई मैं बात भी कर सकता था सब ये बहुत आई थिंक लोग नहीं करते होते लेकिन मैं जरूर करूँगा अब मेरी फादर से ना मेरी खबर वैसे बरी नहीं अच्छा कि मतलब बेस्ट फ्रेंड चाहिए है वो ऐप लेकिन फादर पास

मैं नहीं पर मैं तो वो अधिक रहता है लेकिन हाँ। मोहस हाँ। के साथ ऑफिस तो आज भी आपको फोन आता ही आता है कहा कब आ रहे हो खाना खाया कि नहीं खाया मैं ठीक है वो सब चलता रहता है तो मोहस वाला तो है लेकिन आज जैन रहती है पापा के साथ कोई ऐसी मूवमेंट बोस है तो ऑब्वियसली हर एक मूवमेंट ही बड़ी अप्रेशियस हो होती है मगर एक ऐसी कोई मूवमेंट जो आप हमेशा मिस करते हो और हमेशा आपको पता है क्या वो रहेगी मतलब फॉर एवर व्यू और ही पे वो हाँ एक एक मेमोरी है जो मैं को कभी भूसती नहीं है वो एक बार था कुछ पंचायत के इलेक्शन थे वो कुछ आठ या सात वोटों से हारे थे ओके और जहाँ पे मेरे नान के सेम टाउन पे वहाँ पे जाते हुए वो पंचायत घर सामने आता है ओके okay. तो हार गए थे वो हम अब दिन आई थिंक मामा जी के घर कुछ खाने पे गए थे कुछ थे और मैं उस टाइम बड़ा चमशोद छोटा था यार एट्थ क्लास में तो नाइन्थी एट्थ बात होगी शायद ओके okay. तो मेरे को उन्होंने उस बोर्ड के सामने खड़े होकर कहा कि बेटा इस बोर्ड पर मेरा नाम पे मैं ज़रूर लिखवाऊंगा ये बात होगी कट टू टू थाउजेंड थ्री फिर इलेक्शन हुए और मेरे फादर के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो साथ वाले पंचायत के पन्हा थे बहुत वहाँ पे वो सब कुछ हुआ मतलब वो वायरस वगैरह हो गई थी लेकिन मेरे फादर को इलेक्शन जीत गए वाह हाँ तो मेरे फादर और मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड ने पहले पार्टी थ्रो करके रखे थे कि ये जीतेंगे जीतेंगे खैर यानी वो जीते वहाँ पर वायरस वगैरह काफ़ी हो रही थी तो पापा वो वहाँ से फ्रेंड के घर लेके चले गए तो फादर का मुझे फ़ोन आया मैं उस टाइप पर मामा जी के घर पर था उन्होंने मुझे बोला ठीक है किधर आ जाए तो वो स्टेज पे थे कोई दो तीन हज़ार लोग वो पे थे रात का टाइम था पे कोई बारह एक बजे रात को ओके थे okay. उन्होंने मुझे देखा उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और हक किया और बंदे ने मेरा बोला था कि मैं करूँगा और उन्होंने करके गया उनको तो ये तो एक अलग ही वो बेंट रही क्योंकि उन्होंने अपने उनके अंदर मेरे को हमेशा हर एक बंदे मेरा सबसे अच्छी क्वालिटी जो रख दिया वो है इंटेग्रिटी करेक्ट वो नहीं बहुत जरूरी है एक बंदे का एक प्रिंसिपल होना बहुत ज़रूरी है कि हर जगह यहाँ कुछ किया वहाँ कुछ किया मेरे को वो समझ नहीं आता नहीं। तुम भी हो चाहे अब तुम बात कर रहे हो डायरेक्टर से कर रहे हो या प्रोड्यूसर से कर रहे हो या स्पॉट बॉय से कर रहे हो सबसे अगर एक तरीके से बात कर रहे हो या बिहेव कर रहे हो तब मेरे को तो पसंद डायरेक्टर के साथ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अलग है और स्पॉट को तुम अलग तरह से ट्रीट कर करो भाई मतलब वो नाशानिटी और खाना उस तरह के लोग नहीं पसंद ऐसा कोई ऐसा मोमेंट है या ऐसी कोई बात है जो आपको लगता है कि आप मुझे अपने डैड से कहनी थी बट मैं उनके रहते कह नहीं पाया so नहीं मिल गई थी मिली नहीं हा। के तो हाँ टाइप कुछ हुआ था पापा कुछ कहा था एंड उठा पापा वह तो ये बहुत मुश्किल होता है इतनी छोटी सी बात और डॉटर को दिन मैं हज़ार बार बेटा हज़ार बार कहता हूँ

क्या है अभी उन्होंने नहीं बोला कोई बात नहीं पता एक बार फिकरा करते बट माँ बाप हमारे लिए कर रहे हैं वो उनका प्यार दिख रहा है बट हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते तो हम अपने प्यार का इजहार कैसे करें तो हम नहीं पाते मैं बताऊँ मेरे ख्याल से अब मैं, मैं जैसे फादर हूँ तुम तो अगर फादर के लिए ना भी करो ना तुम तो अपने आप को सोसाइटी में कैसे कैरी कर रहे हो होगा मेरे ख्याल से फादर को उसमें एक कुछ ग जाता होगा बिकॉज उन्हें दिखता होगा कि मेरा बेटा मेरी परवरिश जो मैंने इसको संस्कार दिए वो जिंदगी आगे कैसे जी रहा है लोगों से कैसे डील कर रहा है खुद की जिंदगी कैसे जी रहा है उनके लिए आती है मुझसे बड़ी बात किसी भी पेरियड के लिए शायद ना हो तो अवार बड़ी खुशी की बात है एटलीस्ट वो जो एक बात थी अपने डैड से करने का बहुत है बात है अच्छा ना मेरा जो भी मन का होता है मैं शेयर करता हूँ

तुम दिमाग का तुम्हारा जैसे वो में तुम्हारे जुम्मे इसमें क्या है कैमरा पे उतना ही डेटा रख सकती है तुम्हारा दिमाग तक ही डेटा रखता है फालतू का कचरा निकाल रहा है बट वो कैसा नहीं है वो तो बेस्ट हो गया ना क्योंकि भाई आप उसमें कह रहा हूँ कि बहुत चीज़ें ना लाइफ में जो आप पैकेज लेके चलते हो नायर वो नहीं, नहीं रखना चाहिए वो जितना कम पैकेज लेकर चलोगे ना उतने अच्छे आप अच्छी नींद आएगी तो बता दो को ऐसा कोई याद नहीं है चलो जो यार है, हाँ एक आया एक, आल आल हाँ। एक पर वो बड़ा स्केरी रहा है तो तो वो वो स्केरी हैं वही ये था कि वो पता नहीं कहाँ से वो लड़की को मेरा नंबर मिला वो बहुत मेरे को मैसेजेस पे मैसेजेस ये है वो है मुझे पुलिस स्टेशन जाके एफ आई दिखानी पड़ी क्या बात जो कि ऐसे ऐसे बो रहा है वो मेरे पास कॉपी पड़ी उसकी एनी वे उसमें फनी साइड ये है कि मैं एक बार था मनारी अपनी सिंह गर्लफ्रेंड के साथ ओके अब इन मैडम ने कही तो मेरे फादर का नंबर निकाल के मेरे फादर को फोन करके कहा कि मैं मनारी वो विशाल के साथ तो और कल कर शादी करते हो रही आप आ, 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 आ। <laughs> जाओ मेरे को तो फोन है मम्मा कहते तू कि मैडम बात तो सही है था 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 था। <laughs> क्या चल रहा कुछ नहीं चल रहा <laughs> है कहते ऐसे ऐसे फोन आया कि तू शादी कर रहा है कहीं खुदा

इंडियन सबका होता है इंडियन तो है so वो तो मैं हटा दे रहा बट आधा मैं हमेशा शूट पे ना कुछ नहीं खाता मैं हमेशा अपना सारा कुछ हूँ और मेरी वीकनेस है चौमिन और ये नहीं चौमिन मैं गंदी से गंदी भी खा सकता हूँ कहीं पर भी खा सकता हूँ क्या बात थिंक नहीं ये पसंद नहीं था तो चाइनीज फूड आधा दिन हॉलीडेसन यार पहाड़ वगैरह के तो सब ठीक है जब नंडन वगैरह बहुत पसंद है वो सब मेरा तो इंडिया में वो दोनों वह पिछले दस बारह साल से हिमाचल में, में क्लोड लेंज के पास एक जगह है धर्मकोट करेक्ट बहुत छोटा सा विलेज है वो मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है मैं महीने महीने रहता हूँ वहाँ जाए वाह कॉफी और टी ओके इफ़ यू कुड हैव एनी सुपर पावर वॉट वुड इट बी वाइक <laughs> Most of the people there the want the superpower. Like you Wow. favorite hobby outside of acting? Trembling. Okay. Cats or dogs? Dogs. Okay. Uh, one word to describe yourself. Okay. Uh, favorite childhood memory? Oh thousands. Once. That's there was this one time. I was fighting with my uh, this uh, ब्रदर uh, uh, और वो हकी गया मेरे हाथ उसने भी याद है कुछ चाइनीज सीज़र्स आती थी जो ऐसे फाई थी वो कहीं आस पास पड़ी थी मेरे वो खोली और मैंने वो तो... फेंक अब भाई हट गया और आई सिस्टर फ्रेम में और ऑर्गेस्टर के लगी है, यहाँ जाके फिर तो से फिर उसके बाद फिर जो तला ओके मॉर्निंग रूटीन मस्ट है कुछ भी हो जाए एक लीटर पानी पी के ही बैठ सकता वेरी गुड ड्रीम को स्टार टू वर्क ड्रीम मेरे लेकिन अब दुआ है तो मैं चाहता हूँ कि दुआ के साथ होप कहीं ना कहीं कुछ खेरे साथ में फेवरेट सीजन ऑफ दू दिल्डर्स बट नाउर इमेजन जनवरी में से बट आई वु बीच और माउंटेन एनी डे लास्ट सॉन्ग लिसन टू मै uh, तो बहुत वैसे आ, पुराने गाने सुनता हूँ तो अभी भी मैं तो अपनी वाइफ को भी जो करता रहता हूँ मैं तो जिम में भी एक स्पोर्ट्स पर सुनकर बहुत था। था। right, exactly. तो सारे पुराने गाने बहुत पसंद है ओके इफ यू कुड ट्रेवल बैक इन टाइम वट एरा वुड यू विजिट क्या मुझे लगता है जिस तरह की मेरी हरकतें हैं ना मैं पहले कभी राजे रहा रा हुआ। <laughs> <laughs> okay. If you could swap live with your any fictional character for a day, who cool. oh, would fictional character? Well, yeah. Right. Obviously Yeah, I, I think I would prefer re Krishna. Okay. Yeah, I need it. Absolutely. Uh, favorite app on your phone. Instagram Or oh, Twitter. Do oh, I think I check Twitter much more than Instagram. Really? Right. मेरे को oh, न्यूज़ का बहुत शौक है स्ट्रेंज वो तो अपना न्यूज चैनल बिल्कुल नहीं देखता कोई भी तो सारा न्यूज का जो भी सोर्स है वो तो ट्विटर है ओके वन थिंग यू हैव ऑलवेज टू लर्न बट हैवन है मतलब ठीक है बाद नहीं मैं कई बार कहीं बैठा हो माहौल में हो तो गा देता हूँ फीडबैक कई बार कहते हैं आया तो अच्छा है सीख लेता हूँ थोड़ा ही ओके इफ़ यू कुड Only eat one cuisine for the rest of your life. What would it be? or oh. Really? Uh, Dream car? I think it, uh, I would love to buy uh, a Range Rover Autobiography. Yeah. Okay. Um, one talent you wish you had? Singing. Okay. Uh, favorite way to spend a lazy Sunday? On oh, this very oh. lazy... On <laughs> <laughs> the exact start. Okay. Uh, hidden talent that... Uh, fans might know about you, Idara Singh. Okay. Yeah, <laughs> good or bad? <laughs> How? That way. Favorite emoji. We have. मुझे आता I नहीं है ये smiley with a two dot और वो bracket की वो Okay. Favorite healthy snack. Healthy? Yeah. I, I nowadays I prefer those yoga bars. Okay. Favorite uh, post workout treat. Post workout treat. Huh? Assets, hai, which particular thing to But ice cream again is my weakness. Okay. Which color of a wardrobe you have? Oh man, today I don't know for some reason I'm wearing yellow. But otherwise, it's always black and white. Black mm -hmm. and white. Yeah, all One what? thing that you have not shared with anyone? I don't, I think I uh, generally uh, share my uh, like emotions. And that is it. Okay. Uh, what is your favorite pastime?

8 hours, but sometimes obviously I shouldn't shooting, then you sleep the for 6 hours. But I prefer 8 hours, but I would sleep for like 10 hours or 11 hours. Okay, 8 hours max. So, what's your favorite carb? Bread, pasta, rice, or potatoes? This is a of weird choice. Uh, bread, pasta, rice, or potatoes? I think if it's a type of I'll go with the rice. Okay. And uh, do you snore? My wife says so. <laughs> <laughs> I don't think I did. Okay, how many kids would you like to have? I think that is again Yeah, <laughs> <laughs> I'm like a black in destiny, but I would prefer to. Okay. That, that. Dark chocolate or milk chocolate? Or dark chocolate. Okay. Or all the better. Okay. If you would have been in there what would you like to buy? I think I'll stop with the podcast still. Okay. Your favorite place to eat? uh Like uh, generally. Yeah i just prefer to be in the mountains there like any small cafe over there oh i just like it eventually i think I mean, that's what i'm gonna do and i've been wanting to do for a while okay uh, so i'm opening my own uh, resort in Palampur way. Wow. by the name of zar Please used to vote it so it's going to be called uh, zar resort spa and uh, you're very nice so yeah once uh, that is up and running i think when i'll spend a lot of time over there okay which celebrity annoys you the most नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं ये मैं यहाँ भी सब कमर्शली जवाब देने नहीं ओके वाट मेक यहाँ मैं ये भी रहता है लेक्चर ही दे रहा हूँ बट अगर किसी के बारे में अच्छा बोलने के यही नहीं रहा तो तुम बोला ओके वाट मेक्स यू एंग्री आप मुझे वही मेरे जैसे कहा था मुझे फेक मुझे नहीं पसंद मुझे लगता है कुछ भी हो वो पे गए अच्छे से तो, गोटे भी गाँव वाट एज यू टू रिटायर

Uh, if you get a chance to talk to one animal, which animal you want to talk? I think I would like to talk to a horse. Okay. Mm. Horse are very fascinating. I think of character well, I want to know if I Ever had a crush on someone? Obviously, like, no, I've Okay. Okay. Have you ever stolen anything? Yes, yes. i ओके इफ़ यू गो फॉर एन एडवेंचर ट्रिप विद होम यू टेक अग यार पहले जैसे मैं बहुत सोलो ट्रैवल करता था लेकिन फिर मेरे को एक बात पे रियलाइज हुई कि यार ये सब मेमरीज के लिए ना साथ में एक होना चाहिए होना कभी बैठ के अब मैं अपना यूरोप का ट्रिप सुना ये किया वो किया तो अब ऑफिस वाइफ और डॉटर के साथ तो मैं चाहता हूँ अब डॉटर भी टू ईयर्स प्लस है थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो इसको याद रहना शुरू हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि ऑफिस इनको सब जगह Like very nice. your weakness and strength. weakness uh, and strength, both of them. okay, yeah. Uh, who is the superhero and why? Uh, my father. Uh, yeah. obviously. Yeah. They fashion means to you. i think well, i just don't like people like just buy something for the heck of it and then just like keep it the guy. exactly. i'm mean, always the same cheese without this logo. Bread, will you spend this much on that? Mm -hmm. so why would you spend money on something that is just flashy? I would rather go for like this sort right. like, but I'll spend on the quality. Apps, if I like the quality, I'll buy it, but never for the bread. So it has to be, it has to be like first of all, in your budget and I don't overgo absolutely so just to impress the society. Uh -huh. I think that's the worst thing you can do to yourself, and obviously, it has to be perfect. Favorite drink? I'm a whiskey guy. Okay. Yes. Uh, most unforgettable person? Unforgettable? Uh, I think Papa, Papa, can see my grandfather passed away in 1990, and we are now sitting in 2024. He, but I think I've always like he's always in my thoughts. Okay. Place. Are women complicated? No. No? Do you Instagram your food? No. Oh. <laughs> Texting or talking? Depends. Okay. If I want to talk to somebody who's very close to me, then I make a phone call. If I'm trying to avoid it, if I don't want to, I can give you conversation, then I'll send a text. Okay. Yeah. That people need <laughs> to know that. <laughs> okay. Scale yourself from one to ten. How good are you at keeping secrets? Oh, ten and ten. Ten and ten. I think if someone tells me it stays with me. Have you ever slept anyone? Slapped? No. एक आधी बार हुआ है थैंक यू सो मच विशाल और उम्मीद करता हूँ विशाल की ये स्टोरी आपको हंड्रेड वन परसेंट मोटिवेट जरूर करेगी और आपको पसंद आएगी तो जितने भी विशाल के फैंस हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ प्लीज़ इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना दें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में थैंक यू सो मच थैंक यू